हर हर महादेव। आज मैं विजिट कर रही हूँ आदि योगी जो कोयम्बतूर में है। ये जगह मेरे बकेट लिस्ट में बहुत टाइम से पेंडिंग था और आज मुझे महादेव जी ने बुला ही लिया है और मेरा प्लान बन गया है। तो मेरे ये वीडियो में आपको मैं दिखाने वाली हूँ कि आप आदि योगी सबसे कन्वीनियंटली और इकोनॉमिकली कैसे पहुँच सकते हो। मुंबई से कोयम्बतूर आने के लिए मैंने बुकिंग किया था ट्रेन में स्लीपर क्लास का, जिसका मैंने पे किया था 750 रुपीज़। कोयम्बतूर रेलवे स्टेशन आने के बाद आप आ जाइए गांधीपुरम बस स्टैंड। गांधीपुरम बस स्टैंड कोयम्बतूर रेलवे स्टेशन से हार्डली 3.5 किलोमीटर की दूरी पे है। गांधीपुरम बस स्टैंड जाने के लिए मैंने हायर किया था ऑटो रिक्शा। यहाँ पे आपको एक प्रॉब्लम हो सकती है, लोग यहाँ पे हिंदी या तो इंग्लिश बहुत ही कम समझते हैं, तो आप टूटा फूटा इंग्लिश या तो हिंदी से वो लोग से कम्युनिकेट कर सकते हो। मैंने जब ऑटो रिक्शा हायर किया था तो यहाँ पे रेट्स फिक्स नहीं है और ऑटो रिक्शास मीटर पे नहीं चलते, तो आपको कुछ भी भाव बताया जाएगा लेकिन आपको निगोशिएट करना पड़ेगा। भैया गांधीपुरम 120 कुछ तो कम करो। रात को आना क्या? रात को थोड़ा पर मॉर्निंग में आए थे 100 रुपीज था। मॉर्निंग में चार्ज नहीं, रात को चार्ज। मीटर पे नहीं चलते? मीटर में नहीं। अरे गाड़ी में मीटर में नहीं। 100 100 ले लो, ऑटो रिक्शा में 10 मिनट स्पेंड करने के बाद मैं आ गई गांधीपुरम बस स्टैंड। यह है गांधीपुरम बस स्टैंड। आज संडे है इसलिए यहाँ पे आपको रश ज्यादा देखने मिलेगा। ये बस स्टैंड से आदि योगी जाने के लिए बस की शुरुआत होती है और यहाँ पे बस की फ्रीक्वेंसी भी बहुत ही ज्यादा अच्छी है। हर 15-20 मिनट्स में आपको एक बस मिल जाती है। आज संडे है इसलिए रश बहुत ही ज्यादा था। आदि योगी 14D नंबर की बस है जो यहाँ से जाती है। यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर होने की वजह से आपको शायद समझ में ना आए क्योंकि एवरीथिंग इज रिटन इन तमिल। अब मैं आ गई हूँ बस में और बस में आपको ऐसे फ्रूट सेलर भी देखने मिलेंगे। मेरी जर्नी टुवर्ड्स आदि योगी स्टैचू की शुरुआत हो चुकी है। गांधीपुरम से आदि योगी का डिस्टेंस इस 31 किलोमीटर्स और यहाँ पे पहुँचने के लिए आपको मिनिमम 1 आवर जितना लग सकता है। मैंने यहाँ पे टिकट परचेस किया था 50 रुपीज़ पर पर्सन और ये जो बस है वो बहुत ही कंफर्टेबल था। खूबसूरत नज़ारे देखते हुए और शिव जी को याद करते हुए मेरी जर्नी अब पूरी होने वाली है। फाइनली मैं डेस्टिनेशन पहुंचने वाली हूँ और मुझे जिसके लिए सबसे ज़्यादा वेट कर रही थी वो आदि योगी जी का स्टैचू दिखने वाला है। आई एम रियली वेरी एक्साइटेड। अभी जो आपको सामने दिख रहे हैं वो है आदि योगी जी का स्टैचू जो मैं आपको दूर से दिखा रही हूँ। एंड देखिए, दिस इज़ सो बिग, मुझे रास्ते से ही दिख रहा है। After spending 1 hour, finally मैं पहुँच गई हूँ ईशा फाउंडेशन सेंटर एंड दिस इज़ दी एंट्रेंस फॉर ईशा फाउंडेशन। बस एग्जैक्टली आपको ईशा फाउंडेशन के प्रीमाइसिस के बाहर रोकती है। यहाँ से आपको हार्डली 1 मिनट के लिए वॉक करना पड़ता है और आप पहुँच गए ईशा फाउंडेशन। आई एम सो हैप्पी, फाइनली मैं यहाँ पे आ ही गई। ये जगह मेरे बकेट लिस्ट में काफ़ी टाइम से पेंडिंग था और आज ये टिक मार्क में कर दूंगी। यहाँ पे आके दुनिया बहुत ही अलग लग रही थी मुझे। जैसे ही मैंने अंदर एंटर किया मुझे ये ब्लॉक कार्ड दिखा जो अलग ही वाइब दे रहा था। सामने मुझे शिवजी का स्टैचू देखा जिसको देख के मैं और ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। तो फाइनली मैं फिगर आउट कर रही हूँ यहाँ पे मुझे कौन सी जगह विजिट करनी है। तो यहाँ पे आप जा सकते हो आदि योगी स्टैचू, सेकेंड इज़ ध्यानलिंगा एंड थर्ड इज़ भैरवी लिंगा। अगर आपको ब्लॉक कार्ड सर्विस लेनी है तो आप यहाँ पे आपका बुकिंग कर सकते हो। यहाँ से बुकिंग करके यू कैन गो फॉर अ ब्लॉक कार्ड सर्विस। सो इफ़ यू आर विजिटिंग हियर फॉर द फर्स्ट टाइम और आपको कोई आइडिया नहीं है तो सबसे पहले आप यहाँ पे आ जाइए इन्फॉर्मेशन सेंटर पे। यहाँ पे आके आप इंक्वायरी कर सकते हो। तो मैं भी फर्स्ट टाइम विजिट कर रही हूँ और मुझे एग्जैक्टली आइडिया नहीं था। इन्फॉर्मेशन काउंटर पे विजिट करके मुझे पता चला कि यहाँ पे आप आदि योगी स्टैचू विजिट कर सकते हो, ध्यानलिंगा विजिट कर सकते हो और भैरवी लिंगा विजिट कर सकते हो। आदि योगी जाने के लिए यू कैन कैरी एनीथिंग एंड एवरीथिंग अलॉन्ग विथ यू, बट अगर आप जब ध्यानलिंगा और भैरवी लिंगा जाते हो तो आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लेके नहीं जा सकते हो आपके साथ।
आपको अपना सामान और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज यहाँ पे सबमिट करने पड़ेंगे। डिपॉजिट काउंटर पे स्कैनिंग करवाने के बाद दे विल गिव यू अ कूपन जिससे आप अपना सामान फिर से कलेक्ट कर सकते हो। लगेज डिपॉजिट करने के बाद अब मुझे लग रही है भूख, तो मैंने यहाँ पे सामने देख ली कैंटीन। कैंटीन यहाँ पे आपको प्रीमाइसिस में ही देखने मिल जाएगी और अदर फूड आउटलेट्स भी आपको देखने मिलेंगे, बट मैं आ गई थी कैंटीन में। कैंटीन के मेन्यू में मुझे बहुत सारे फूड ऑप्शंस देखने मिले और जूसेस एंड चाय भी अवेलेबल थी। फूड का रेट बहुत ही नॉमिनल था और अफोर्डेबल था और फूड बहुत ही अच्छा था टेस्ट वाइज, और कैंटीन मुझे बहुत ही क्लीन और हाइजीन दिखी। तो सबसे पहले मैं जा रही हूँ ध्यानलिंगा। यहाँ का टाइमिंग है सुबह 6 बजे से शाम को 8 बजे तक। यहाँ पे कैमरा एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज आर नॉट अलाउड, इसलिए अंदर का शूटिंग में नहीं कर पाई। यहाँ के एक्सपीरियंस की बात करूँ तो एक्सपीरियंस काफ़ी यूनिक था एंड दैट वॉज माइंड ब्लोइंग। आप ध्यानलिंगा के प्रीमाइसिस में जैसे ही जाओगे आपको आपकी प्रिफर्ड लैंग्वेज में ब्रीफिंग दिया जाएगा वीडियो के द्वारा। यहाँ पे टोटल 2 कुंड है, एक सूर्य कुंड है और एक चंद्र कुंड है। यहाँ पे आप स्नान करके ध्यानलिंगा के दर्शन करने जा सकते हो। सूर्य कुंड इज फॉर मेल एंड चंद्र कुंड इज फॉर फीमेल, जिसके लिए 20 रुपीज पर पर्सन चार्ज होता है। इसके बाद मैंने दर्शन किए थे भैरवी लिंगा के। ये बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस था मेरे लिए और यहाँ की आरती मैंने बहुत ही अलग देखी। माई एक्सपीरियंस वॉज जस्ट वंडरफुल एंड समथिंग वॉज माइंड ब्लोइंग। आई फाउंड माई पीस हियर। यहाँ पे आप योगा सेशन भी अटेंड कर सकते हो जो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, लेकिन आपने टाइमिंग देखना पड़ेगा। एवरी हाफ एन आवर दे कंडक्ट दिस फ्री योगा सेशन जो आप अटेंड कर सकते हो। ध्यानलिंगा और भैरवी लिंगा के दर्शन के बाद अभी मैं जा रही हूँ फाइनली दी आदि योगी स्टैचू देखने के लिए, जिसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। टाइमिंग हुआ है इवनिंग के 5 बजे और स्पेसिफिकली मैंने इवनिंग टाइम चूज़ किया था। देर आर 2 रीजंस। एक तो सनसेट के टाइम मुझे फोटोग्राफी एंड वीडियोज़ बनाने थे एंड सेकेंडली यहाँ पे फेमस लेज़र लाइट शो होता है जो मुझे मिस नहीं करना था। ऑनेस्टली आई एम सुपर एक्साइटेड। मैं सोच सोच के ही इतना खुश हो रही हूँ कि कितना बड़ा स्टैचू होगा और क्या एक्सपीरियंस होगा। और अभी आप आसमान देखोगे तो सनसेट होने लगा है एंड इट हैज़ बिकम ऑरेंज एंड पिंकिश। इसके साथ फोटोज़ बहुत ही सुपर आने वाले हैं। हर हर महादेव। लुक एट दिस मैग्निफिशेंट एंड ग्लोरियस स्टैचू ऑफ शिव जी। इतना बड़ा स्टैचू मैंने आज तक कहीं पर भी नहीं देखा एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी दिस वन। I hope you are aware this statue is recognized by Guinness Book of World Records as world's largest bust sculpture, jiska height hai 112 feet long. This evening can't get better than this. आप जब भी यहाँ पे आदि योगी विजिट करते हो मिनिमम आप 3 से 4 घंटे लेके ही आना, क्योंकि ध्यानलिंगा और भैरवी लिंगा विजिट करने के लिए भी आपको 1 से 2 घंटे लग सकते हैं और यहाँ पे आदि योगी आने के बाद आपको 1 घंटा मिनिमम लगेगा। एंड आई वुड सजेस्ट टू कम हियर इन द इवनिंग सो दैट यहाँ पे आप लेज़र लाइट शो मिस ना करें। यहाँ पे आरती की शुरुआत होती है 7 बजे और उसके बाद लेज़र लाइट शो की शुरुआत होती है जो होता है 30 मिनट्स। ये आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। दिस इज द मेन अट्रैक्शन ऑफ दिस प्लेस। लेज़र लाइट शो होने के बाद यहाँ पे 5 से 10 मिनट की आरती होती है और उसके बाद पूरा ब्लैकआउट किया जाता है और शिवजी के स्टैचू पे ये ब्लू कलर की लाइट की जाती है जो बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है। और यहाँ पे इसके बाद आप आराम से इनके दर्शन कर सकते हो और फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हो।
आरती होने के बाद आप स्टैचू की प्रदक्षिणा लेना बिल्कुल मत भूलना। एकदम नज़दीक से आप शिव जी के दर्शन करना, आपका एक्सपीरियंस बहुत ही अलग होगा। और एक चीज़ ध्यान में रखिए, यहाँ पे 8-8:30 के बीच में सब कुछ बंद हो जाता है, सो एंश्योर यू आर लिविंग बिफोर 8:30, क्योंकि ये जगह बहुत ही इंटीरियर एरिया में है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पसंद है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। माई चैनल इज़ राठौर निशा जीवराज। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हर हर महादेव।